हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकमास। और हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो आर्डिनो यूनो के बारे में आपको बताएंगे। तो बेसिकली आर्डिनो यूनो जो है एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है 8Mega 328। तो आज के ज़माने में जो है वो आर्डिनो यूनो बोर्ड जो है बहुत जगह यूज़ करा जा रहा है और हम इसकी मदद से जो है बहुत सारे मुश्किल प्रोजेक्ट्स को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और हम बताएंगे कैसे इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा जाता है और हम बताएंगे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। आइए चलिए लेके चलते हैं आपको अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले है माइक्रो कंट्रोलर 8Mega 328। ये इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है आर्डिनो यूनो का, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवाएंगे। आर्डिनो यूनो में टोटल 6 एनालॉग पिंस हैं। इन एनालॉग पिंस की मदद से हम अपने सेंसर्स जैसे इंफ्रारेड सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर वगैरह कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ये है डिजिटल पिंस। आर्डिनो यूनो में 14 डिजिटल पिंस हैं, जिसे हमें आउटपुट देने वाले कॉम्पोनेंट्स जैसे LCD, LED, रिले वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है USB पोर्ट, जिसे प्रोग्राम अपलोड होगा किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से। ये है पावर जैक, जिसे 9 वोल्ट का इनपुट देना होता है ताकि ये पावर सप्लाई पिंस को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। नेक्स्ट ये है पावर सप्लाई पिंस। इनकी मदद से हम अपने सेंसर्स, LEDs, LCDs वगैरह पावर कर सकते हैं, जिसमें 2 ग्राउंड पिंस हैं। एक VIN पिन है, जिससे अगर आप या तो वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं अगर 9 वोल्ट बैटरी नहीं यूज़ करना चाहते, या अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो इससे आउटपुट ले सकते हैं। बाकी इसमें एक 5 वोल्ट, एक 3.3 वोल्ट आउटपुट पिन है। यह है रीसेट बटन, हमारे प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने में मदद करता है। अब देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम अपलोड और रन करा सकते हैं आर्डिनो यूनो में। तो गाइस, arduinoyuno.cc इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर सॉफ्टवेयर टैब में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला आर्डिनो यूनो वेब एडिटर, इसमें डायरेक्ट ब्राउज़र की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम राइट करके कंपाइल कर सकते हैं। सो गाइस, दूसरा है आर्डिनो IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी मदद से जो है हम आराम से अपना कोड जो है ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस, एक बात और मैं बता दूँगा आपको, ये जो आर्डिनो IDE है ये ऑफलाइन है। आर्डिनो वेब एडिटर था वो ऑनलाइन था। सो गाइस, चलिए देखते हैं अब दोनों मेथड क्या हैं। तो पहला मेथड है ये, कोड ऑनलाइन क्लिक करने के बाद आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर आप गूगल अकाउंट से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें मैंने अपना गूगल अकाउंट यूज़ कर लिया लॉगिन के लिए। उसके बाद कोई भी यूज़र नेम सेट कर लिए, उसके बाद सारे पॉलिसी को एक्सेप्ट करके क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए। तो गाइस, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद आप डायरेक्ट कोड प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। तो गाइस, हम आपको बताने वाले हैं दूसरा मेथड। इसमें आप विंडोज़ इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ 7 एंड अप वाला ऑप्शन क्लिक करिए। इस पेज में अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी सपोर्टेड है, वरना जस्ट डाउनलोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, ये था पूरा आर्डिनो यूनो के बारे में जो भी मैंने आपको बताया, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो सपोर्ट करिए गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।